बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल बी वेल। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 ऑफ लेवल 6। टुडे इज योर टॉपिक स्पेलिंग एंड ग्रामर। पेज नंबर है आपका 48। पेज नंबर 48 ओपन कर लें और आज का टॉपिक है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। Spelling and grammar ensure that your document contain no error. You must have noticed red or green wavy lines under the some words while typing in a document. अब स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो एमएस वर्ड में क्या काम है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट पर जब आप लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं और कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो आपको रेड और ग्रीन वेवी लाइन के दो बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी आप लोग कोई भी असाइनमेंट आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें जो रेड कलर की अगर किसी वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन आ जाए तो वो इससे आपको बता देती है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। और इसमें जो ग्रीन वेवी लाइन का काम है वो आपको बताती है कि आपकी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। टू यूज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक द रिव्यू टैब, क्लिक ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड प्रूफिंग ग्रुप द स्पेलिंग एंड ग्रामर। डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन। सेकेंड स्टेप है द रॉन्ग वर्ड विल बी शो इन द रेड कलर एंड डिस्प्ले इन नॉट इन डिक्शनरी बॉक्स। ऑप्शन अवेलेबल फॉर द रॉन्ग वर्ड्स। सजेशन बॉक्स डिस्प्ले वर्ड। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने जो भी असाइनमेंट जो भी आपने वर्ड टाइप की अगर उसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को अगर आपको स्पेलिंग नहीं, उसके जो रियल स्पेलिंग है अगर आपको नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं, रिव्यू टैब में जाएंगे और स्पेलिंग ग्रामर जो ग्रुप में जाएंगे और प्रूफिंग ग्रुप में जाकर आप अपने स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको जो है वो लैपटॉप पर इसका छोटा सा जो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। एमएस वर्ड का जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन है। मैंने इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, क्लाउड्स आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, आइस क्रिस्टल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड एयर। इसमें आपको ड्रॉपलेट्स वर्ड के नीचे जो है वो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है। ये रेड कलर की लाइन आपको बता रही है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने ड्रॉपलेट्स के स्पेलिंग जो हैं वो रॉन्ग लिखे हैं। तो इसको ट्रू करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, ग्रामर मिस्टेक को करने के लिए, अब आपने अपनी बुक सामने रखनी है और बुक में जैसे वन बाय वन स्टेप दिया गया है उस स्टेप से आप जो हैं वो इसके स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग खुद से आते हैं ठीक, तो आप वो ठीक खुद से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेलिंग जो है रियल स्पेलिंग नहीं आते, तो आप इसके रिव्यू टैब में जाकर स्पेलिंग प्रूफिंग ग्रुप में जाकर आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपने रिव्यू टैब में जाना है। होम के बाद है इंसर्ट, इंसर्ट के बाद है पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और सेकेंड लास्ट जो आपका टैब है रिव्यू। आपने स्पेलिंग को ठीक करने के लिए रिव्यू टैब में जाना है। ये रिव्यू टैब ओपन किया, रिव्यू टैब के बाद आप लोगों ने जाना है ABC स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन ग्रुप में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए, ये आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें उसने आपको रेड कलर में जो आपको बता दिया गया कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब आप इस स्पेलिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं, ड्रॉपलेट्स के स्पेलिंग जो हैं, जो ट्रू स्पेलिंग है वो है DROPLETS। आपकी ड्रॉपलेट्स के स्पेलिंग जो आपने ट्रू वाले ऑप्शन को चूज करना है और यहां से आप लोगों ने इसकी हेल्प से जो है आप लोगों ने अपने स्पेलिंग ड्रॉपलेट्स को आपने सेलेक्ट करना है। ड्रॉपलेट्स को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने चेंज पर जो है वो क्लिक कर देना है और इसके बाद ओके कर देना है। ये देख लीजिए आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ठीक हो गए। इसी तरह से अगर आप लोग कोई और भी कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी किसी किस्म की जिस भी वर्ड के नीचे रेड लाइन आएगी वो आपको बताएगी कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है। और अगर इसके अलावा आपको ग्रीन कलर की लाइन जो है वो शो होती है तो वो आपको बताती है कि आपकी ये जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जैसे अभी इसने पार्टिकल्स के साथ के नीचे जो है ये ग्रीन कलर की आपको जो लाइन शो हो रही है,
इसका मतलब है कि ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी क्लियर हो गई। और आपको जो रेड कलर की लाइन है वो आपको बताती है कि आपकी ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है। ये बहुत ही इजी काम है, जिसके पास लैपटॉप है घरों में, जो बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो इसे जो है वो इस पर कोई भी पैराग्राफ जो है अपनी कंप्यूटर की बुक में से टाइप करके भी देख सकते हैं और इसको खुद भी करके देख सकते हैं। ये एक छोटा सा डेमो था। और इसके अलावा आपने पेज नंबर अपनी बुक का 48 पेज नंबर 48 की जो है वो रीडिंग करनी है, और इससे रिलेटेड जो है आप लोगों ने बुक वर्क अपनी कंप्लीट करनी है। लास्ट में आपको जो है इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जैसे आर रेड वेवी लाइंस इन योर टेक्स्ट इंडिकेट्स, तो आपको पता है कि रेड कलर की जो वेवी लाइन है वो स्पेलिंग मिस्टेक बताती है। इसके अलावा आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये आप लोगों ने कॉपी वर्क पे जो है ये काम करना है। क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी वर्क एज इट इज़ करना है, जैसे आप लोग क्लास में करते थे। और आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है 9 जुलाई, और डे आप लोगों ने मेंशन करना है फ्राइडे। ये डे और डे जो है आप लोगों ने मेंशन करके अपनी बुक आंसर जो है इसका पेज नंबर 48 पे मिलेगा। टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक द रिव्यू टैब। नंबर 2, क्लिक ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर फ्रॉम प्रूफिंग ग्रुप। द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन। द रॉन्ग वर्ड विल बी शोन इन द रेड कलर एंड डिस्प्ले इन नॉट इन द डिक्शनरी बॉक्स। ये आप लोगों ने थ्री स्टेप्स की डिक्शनरी बॉक्स तक जो है वो इसका आंसर आप लोगों ने कॉपी पर लिखना भी है और याद भी करना है, और इससे रिलेटेड जो है वो बुक वर्क आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।